कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं 5-6 साल से स्टॉक मार्केट में कर रही हूँ, पर कोरोना के बाद से जरा ज्यादा एक्टिव हूँ। कोरोना के बाद से ज्यादा एक्टिव हो गए हो, क्यों? बस टाइम भी था और खर्चे बहुत लिमिटेड हो गए थे, तो थोड़ा पैसा था तो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर दिया। ये अच्छी बात है, बढ़िया चीज पे चैनलाइज करा, पैसा घर आ रहा है, कमा पा रहे हो? यस परफेक्ट है। वैशाली मैम, अच्छा स्टॉक कैसे चुनते हो, खुद डिसाइड कर रहे हो, ब्रोकर गाइड कर रहा है या कोई और हेल्प कर रहा है? थोड़ा ब्रोकर करते थे, फिर सीएनबीसी आवाज सुबह से देखते रहते हैं और उस हिसाब से फिर डिसाइड करके ले लेते हैं। मतलब जो पैनल रिकमेंडेशंस देता है उनमें से आप अपना सिलेक्टिवली कोई से चूज कर लेते हो, ऐसा? हाँ। ओके वैशाली मैम, पहला सवाल कौन सा? तो मेरा पहला सवाल टाटा मोटर स्टील का था सर। मेरे पास 200 शेयर है, 157 की बाइंग है सर। मैं 3-4 महीने और उसको रखना चाहती हूँ, तो ठीक रहेगा? लिया क्यों था ये? किसी ने पैनल में रिकमेंड करा था, मोमेंटम चेस कर रहा आप, किस लॉजिक से लिया हुआ है टाटा स्टील? सर मेरे ऐसे ही थोड़े से एक्सेस पैसे आए थे तो सोचा कि कुछ 5-10% एक्स्ट्रा और बन जाएंगे, इसलिए ले लिया था सर। फिर वो रैली एकदम स्टॉप हो गई और फिर वो नीचे आने लग गया, तो फिर अब 2-3 महीने का थोड़ा टारगेट बना लिया। पर अभी नीचे कहाँ आया, मोमेंटम तो बढ़िया है, अभी अभी थमा हुआ है। ये बात अलग है, मोमेंटम एक बैंड में आ गया, पहले तो बहुत अच्छी तेजी आई थी बीच में। राजेश सर क्या करना चाहिए टाटा स्टील? बेसिकली पोजिशनली खेल रहे हैं, मोमेंटम चेज कर रहे हैं, मोमेंटम बढ़िया है, अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं ग्लोबली कहा जा रहा है कमोडिटी प्रोड्यूसर्स पे अब दाव लगाया जा रहा है क्योंकि दाम शायद और बढ़ेंगे, देख भी रहे हैं हम लोग कमोडिटीज के दाम स्वेल होते हुए। टाटा स्टील अट्रैक्टिव है क्या? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखो तो चाइना और यूएस के जो डेटा आ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेटल में और तेजी बनती हुई नजर आएगी, और खास टाटा स्टील की बात करें तो एक बड़ी कैपेसिटी है इनकी। सरकार का जिस तरह का रवैया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, इवन रियल स्टेट में जिस तरह की बढ़त बनी हुई है, तो स्टील कंपनियां बेहतर करती हुई नजर आएंगी। कुछ यूरोपियन दिक्कतें थी वो भी अब कम होती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल इन्हें बने रहना चाहिए। हो सकता है 3-4 महीने में कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं बैठे, क्योंकि 3-4 महीने अभी अपने जून के मध्य तक इलेक्शन मोड में रहेंगे, 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन डेट है, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये अच्छा स्टॉक है और इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होना लाजमी था, तो 180-185 के टारगेट के साथ इसमें बनी रहे, जरूरत पड़े तो थोड़ा अपना टाइम होराइजन बढ़ा दें। बढ़िया स्टॉक है मैम, जल्दी ना करें, 180-185 आपको बढ़िया मीनिंगफुल रिटर्न्स दे जाएगा, बस जो समय अवधि है वो शायद थोड़ी सी अपने को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा मूव्स डिलीवर ना कर पाए, ये काम हो जाए। स्मिता मैम अगली क्वेरी। सर मेरी नेक्स्ट क्वेरी रेडा के लिए है, तो उसके मेरे पास 40 शेयर्स है 148 के एवरेज से, तो सर मैं और ऐड करना चाहती हूँ, तो कब कर सकती हूँ40 कैसा लगता है? ठंडा पड़ा, वापस मोमेंटम पकड़ लिया इसने, 170-160 पे तो अगर लॉजिकली तो अभी भी उतना ही स्ट्रेच वैल्यूएशन है, महंगा दिखता है, लेकिन टेलमेंट्स तमाम है, आप किस तरफ हो? इरिडा में अभी भी दमकम है और ऐड करने लायक स्टॉक है क्या? देखिए आपने सही कहा कि वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच दिखते हैं और इस पर कोई राय नहीं है, क्योंकि अगर पावर फाइनेंसिंग कंपनीज को देखा जाए तो REC PFC बहुत कम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है वनस्पत की इरिडा। अब एरेडा के साथ ये है कि ये प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग की कंपनी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इनको प्रीमियम मिल रहा हो, बट इस वैल्यूएशन पे नई एडिशन के लिए मुझे थोड़ी सी शंका होती है, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस फाइनेंस NBFC में उपलब्ध हैं बाजार में, जैसे कि जियो फाइनेंस हो या पूना वाला हो। मैं कहूँगा आपको ऐड करना हो तो आप जियो या पूना वाला पे ध्यान दें, इसमें जो है वो बनी रहे और अपना जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको अपने स्टॉप लॉस मान करके चले इस वक्त, तो और जैसे जैसे ये बढ़ता जाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले।
रीडा में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चार ही स्टॉक्स जो हैं इंटैक्ट रखें, और फ्रेश पैसा डालना है फाइनेंशियल्स पे डालना है तो कोई जियो या पूना वाला ज़्यादा बेहतर प्लेस नज़र आते हैं। पढ़िएगा इनके बारे में फिर डिसाइड करिएगा, और जहाँ तक अगर जियो पे कुछ मन बन रहा हो तो ध्यान रखिएगा इस चैनल के प्रमोटर्स और जियो के प्रमोटर्स सेम हैं। तो आप भी वैशाली मैम, स्मिता मैम और आप में से कोई भी दर्शकगण सुन रहे हो और चाह रहे हो तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर इंडिपेंडेंट किसी और से भी कंसल्ट प्लीज जरूर करिएगा। सर आज भारतीय एयरटेल मूड